आठ दिन आ गए बीत मेरी बहनों तुमको कथा सुनाई और जाने के बाद ओ मेरी बहना करियो ना ही बुराई, जाने के बाद बहन भैया करियो ना ही बुराई। और बात बात पे बहने बेटियों तुम पे घुड़क जमाई, बात बात पे भैया बहनों तुम्हें फटकार लगाई। जान के बाद न बहनों कहियो भैया ना ही कसाई, जान के बाद मेरी माता बहनों भाइयों आप लोगों ने जो प्यार दिया है स्नेह दिया है ओम वीर बौद्ध का जब तक जीवन है नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि प्रोग्राम तो हमारे बड़ी दूर दूर चलते हैं, बरेली शहजानपुर हरदोई ये पास के जिला हैं, लखीमपुर खीरी के बाद में नखलऊ के आगे बाराबंकी, महाराष्ट्र, उत्तरांचल, उत्तराखंड, यानी कहने का मतलब ओम वीर बौद्ध को देश विदेशों में भी सुना जाता है। कैसे सुना जाता है? जो प्रोटोकॉल के द्वारा बौद्ध शोध संस्थान भारत सरकार के द्वारा एक ट्रस्ट चलता है, आपको मेरा बैनर दिखाई दे रहा है, इसके अध्यक्ष हैं विहाराधीश भिक्षुशील रतन जी, विदेशों में प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं तो वीर बौद्ध की क्लिपें जाती हैं बजती हैं, मेरे पास में फोन आते हैं। एक समय तो मेरे पास में फोन आया इराक से, मैंने ऐसे ही बोल दिया कि ओम वीर बौद्ध को सारे भारत में सुना जाता है, तो उन्होंने फोन पर सचेत किया, बोले गुरुजी हम आपको इराक से सुन रहे हैं, क्योंकि वो रहने वाले अपने देश के थे, इराक में नौकरी करते थे। तो बुद्ध की वाणी बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने का कारवां मैंने बखूबी सीखा है, बुद्ध के सिद्धांत बाबा साहब के मिशन पर ओम वीर बौद्ध मरना और मिटना भी जानते हैं। यद समाज को जगाने के लिए ओम वीर बौद्ध ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लोगों मुझे केवल एक ही लालसा है कि हम क्या थे और क्या हो गए, हम जो थे शुरू में वही हो जाएं, यही मेरी कामना है। बोलिए सम्राट अशोक, बोलिए भगवान बुद्ध की, पूज्य बाबा साहब की। और दान की कड़ी में 20 मुद्राओं का दान बलबीर साकिया जी, जाते जाते हंसा कर जाओ और साथ ही साथ नाच नाच भी करवाओ, जब नाच के मारे तो कर ले दैया चिल्ली मची, कोई बात नहीं पूरा प्रयत्न होगा। तो कहना है हमारी माता बहनों ने जो शांति के साथ में ओम वीर बौद्ध को सुना है, एक बात और बता दें, वैसे ओम वीर बौद्ध के पास में कोई कमी नहीं है, मैंने बता दिया है कि हमारे पिताजी सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, हम तीन भाई हैं और मंच के माध्यम से खुली बात कहता हूं, ओम वीर बौद्ध की दो पत्नियां हैं, एक घर पे रहती है एक धम्म संगिनी है। ऐसा नहीं है कि मंच पे कुछ और कहें, पंडाल में कुछ और कहें और कमरा में जब चले जाएं तो कुछ और हो, ओम वीर बौद्ध स्पष्टवादी है। और शाक की पुत्री महान विदुषी ब्रह्मचारी ललिता बौद्ध जो हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला करके समाज को जगाने का काम करते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। किस
किसी बात की कोई कमी नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी है वो अमीर बौद्ध में। कौन सी मालूम? और ये 10 मुद्राएं बहन आरती गजौरा की तरफ से प्राप्त हुई हैं। वो कमी कौन सी है? उस कमी को जब भी महसूस करता हूं तो कलेजा छलनी हो जाता है। कौन सी मालूम? जिस समय 8-10 वर्ष का था, उस समय हमारी मैया हमें छोड़ करके इस दुनिया से चली गई। इस अभागे के कोई बहन भी नहीं है। पिता ने पाल पोस करके बड़ा किया, माता का प्यार बहन का दुलार पिताजी ने दिखाया। कहना है मेरी बहनों, काउ बात की कमी नहीं है, सुनो बहने और भैया, काउ बात की कमी ना है, सुनो बहने और भैया, माँ को प्यार नहीं पाओ बचपन पे मर गई मैया। मेरी माता बहनों, जिस समय भगवान बुद्ध के धम्म दर्शन की जानकारी नहीं थी, कथा नहीं कहता था, जब रक्षाबंधन का दिन आता था, दिवाली के बाद में द्विज का दिन आता था, एक कोने में जाकर के अमीर बौद्ध रोया करता था। जब किसी की माँ अपने बेटे को सजा करके स्कूल भेज देती थी, तब मैया की याद आती थी, रोता रहता था कि मेरी भी माँ होती तो हमें भी सजा करके स्कूल में भेजती। काउ बात की कमी नहीं है, सुनो बहन और भैया, माँ बहन को प्यार ना जानो बचपन पे भर गई भैया। आज उस कमी को पूरा किया है सभी माता बहनों ने। जब से बुद्ध की कथा कहता हूं, हजारों माताएं हजारों बहनें अमीर बौद्ध के सामने रहती हैं, और हम माताओं बहनों बुजुर्गों भाइयों के बीच में समय बिताते हैं, और विशेषकर धन्यवाद देना चाहते हैं नगर के सभी ग्रामवासियों को और हमारे भैया पप्पू, क्योंकि पप्पू भैया ही जब बुलाते हैं पास में आते हैं, और कमेटी के लोग अमीर बौद्ध से इतना लगाव नहीं रखे, क्योंकि अमीर बौद्ध के प्यास में प्यार में कोई अंतर नहीं है। जो भी भाई आता है सबको बराबर का हक है और सबको बराबर मानते हैं। इसलिए कहना है नगला मोहन के भैया बहनों, भूल मत मोए जइया। मेरी माताओं, मेरी बहनों, पिता समान बुजुर्गों व भाइयों, आपसे कहना है, मैं ये नहीं कहता हूं कि अमीर बौद्ध को तुम कथा करवाओ तभी बुलाओ। जब भी आपके गांव में, नगर में, घर में कोई भी संस्कार हो, अमीर बौद्ध को याद करना जरूर आएंगे। और मंच के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं, यदि बुद्ध की कथा करवाओ तो योग की वक्ता को बुलाना, व्यर्थ में अपना पैसा बर्बाद मत करना। ये मेरा आपसे विशेष रूप से कहना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर बार अमीर बौद्ध और ललिता बौद्ध को बुलाओ, किसी को बुलाओ। शास्त्रा के विचार, अपनी संस्कृति, अपना इतिहास, बुद्ध का ज्ञान तुम्हें जो सबसे ज्यादा दे सके, ऐसे महान प्रखर वक्ता को बुलाना। और विदाई के रूप में ये 20 मुद्राएं बहन सोमवती शाके, जो कि इसी नगर की रहने वाली हैं, इन्होंने कहा है कि भगवान का एक गीत सुनाओ, जरूर सुनाएंगे।
और दस मुद्राओं का बधाई दान हमारे भैया विजेंद्र की माता जी की तरफ से प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत मंगल कामनाएं तीनों लोगों के लिए। और कहना है सभी माता बहनों और भाइयों से अंतिम शब्द है ओम वीर बौद्ध के। नगला मोहन के भैया बहनों भूल मती मोय जैया, अगली साल ओम वीर ललिता को फिर बुलैयो, अगली साल पहचानो बहनी मोए पहचानो रे पहचानो, पहचानो भात मोए पहचानो रे पहचानो, पहचानो बिरंगा मोए पहचानो रे पहचानो, पहचानो बहना मोए पहचानो रे पहचानो। ए ओमिर साकिया नाम हमारो, इसनी बरात रहने वाले ललिता चाकिया सुगाओ बाली, और मोर बंश की प्राण में प्यारी और ये विश्व मुद्राओं का दान हमारे भैया धर्मवीर जी की तरफ से विदाई के रूप में प्राप्त हुआ है। और विश्व मुद्राएं धर्म सिंह मिस्त्री के बेटे की तरफ से हमें किशन बेटा मेरे संग में रहबे, किशन बेटा संग में रहबे। मेरे भैया ये जो चिमटे पर विशेष संगति कर रहे हैं ये नितिन यादव और फिर नीटू, वैसे इनका जन्म भले ही यादव परिवार में हो गया हो, इन्होंने अपने आप को साक्ष्य कहा है और इन्हें भगवान बुद्ध की संस्कृति समझ में आई, बुद्ध की विचारधारा पर इन्होंने अपना जीवन बिताने की कसम खाई है। और ये तो कहते हैं हमसे गुरुजी हमारे माता पिता यादव नहीं, हमारे माता पिता तो ललिता और ओमवीर बौद्ध हैं। और तो घड़े पर संगति कर रहे हैं ये भी नितिन के पड़ोसी हैं बानमऊ के रहने वाले सौरभ बौद्ध, और बीच में जो हमारा बेटा बैठा है किशन साके, ये अपनी छोटी माँ ललिता का बहुत ही प्रिय है बेटा है। और जो ढोलक पर संगति दे रहे हैं हमारे बेटे के समान कन्हैया तूफानी, और साथ में छोटी बेटी
इसे सभी लोग हंसी मजाक करके चिढ़ाते रहते हैं, बहन है बेटी है, क्योंकि हमारे पड़ोस गांव फरेंदी की रहने वाली है और हमने अपना परिचय तो दे ही दिया है और साथ में मेरे दो शिष्य और आपके क्षेत्र में मिले हैं उम्मीर बौद्ध को, यानी सत्य प्रकाश और सतीश के रूप में। और चलते चलते दस मुद्राओं का विदाई दान और ऋषभ कुमार की तरफ से प्राप्त हुआ है, बहुत बहुत मंगल कामनाएं।